एनवायरनमेंट का देखेंगे। हाँ, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, कौन सा सही है? यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा और लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राएं और शिविरों का आयोजन और संचालन करता है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राएं और शिविरों का आयोजन और संचालन करता है। फिर है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा या जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्त क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्त क्रियाविधि में काम करता है। नोट GEF इन करेंट न्यूज टू COP27 के कारण था। फिर है मैचिंग है, तो क्या दम्फा मिजोरम में और फिर सारामती शिखर नागालैंड में, सारामती से दम्फा में गुमटी कहाँ है? गुमटी है आपके त्रिपुरा में, गुमटी है त्रिपुरा में। ठीक है, दम्फा मिजोरम में है और सारामती नागालैंड जी दम्फा। अक्सर अभ्यारण राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व UPSC वेस्टर्न रिजर्व पे पहुँचती है। क्वेश्चन, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वेटलैंड इंटरनेशनल के या ज्ञान के विकास संग्रहण के लिए और व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये ज्ञान के विकास संग्रहण के लिए पक्ष अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये ज्ञान के विकास संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हाश के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या और कारण है? तो है नदियों पर बांधों बराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों के संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालन बंधकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों चिंता का विषय है? उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, वे मनुष्य पशुओं में संचित हो सकते हैं। किस प्रकार के जंतु सीथनिस कहते हैं कि परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? चमगादड़ भालू और रोडेंट। सीथ निष्कृषता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है, चमगादड़ भालू और रोडेंट। और किस निस कहते हैं घोंगे मेंढक केचुआ। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरे तो आपको ये देखने को मिलता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चले जाते हैं, उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पक्षी हैं? साधारण मैना, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान का भी पारिस्थिति के अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किनके सजीवी सहचारी है? लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थिति के अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है। किनके
सचिव की सचारी है सहवाल और कवर। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते तो आपको यहाँ निम्नलिखित में से पादप पादपों को प्राकृतिक रूप से उगाते हुए दिखाई दिया है, क्या है आंसर? बांज और बुश। यदि आप हिमालय से होकर के तो वहाँ किन पादपों और पादपों को उगते हुए दिखाने हैं? बांज और बुश में। चंदन नहीं, चंदन कहाँ मिलता है? चंदन भारत, चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ के मूल निवासी। चंदन भारत विश्व चंदन व्यापार का 80% योगदान है। अच्छा, ये कहाँ का चंदन पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। यूपीएससी वन संपत्ति उनके बारे में अक्सर पूछती है, अंत वन संपत्ति के बारे ढंग से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? इस्पात उद्योग द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड, इस्पात सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निर्मित कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण जो इस्पात उद्योग में मुक्त किए जाते हैं? सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीव संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसे की स्थापना में निहित है? जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किस स्थापना में निहित है? भूमंडल निश्चय, बायोस्फीयर रिजर्व। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए रणनीति बायोस्फीयर रिजर्व में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बनना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 से बढ़ जाता है तो विश्व पर इसका संभावित असर क्या होगा? संभावित असर विस्तृत प्रवाल मित्रता घटित होगी, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, नीम के पेड़ के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नीम के पेड़ के बारे में क्या है? कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुर रोधन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधीय उद्योग में होता है, नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन निर्माण में नहीं होता, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय संरक्षण राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।